Hello? अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। गब्बर सिंह, आ रहा हूं मैं। जो डर गया समझो मर गया। मेरा नाम है डाकू चुटिया। ये डाकू चुटिया कसम खाती है, जब तक गब्बर की लाश नहीं गिराएगी तब तक अपने सर के बाल नहीं बढ़ाएगी। जो डर गया समझो मर गया। सरदार, इसको तो आपने मार दिया, उसको कब मारोगे? किसको रे? डाकू चुटिया को। अच्छा, तो तू उस लड़की की बात कर रहा है जिसकी इज्जत लूटकर जिसका सर मुंडवा दिया था मैंने, और सुना है उसने अपना नाम डाकू चुटिया रख लिया है, और साथ में ये भी कसम खाई है कि जब तक इन पहाड़ों में गब्बर सिंह की कब्र नहीं बना लेगी तब तक अपना बाल नहीं बढ़ाएगी। फिर भी सरदार, चुटिया रानी डाकू से बच के रहना। गब्बर को डराता बेवकूफ, गब्बर को। 1975 की फिल्म शोले में जब रात को बच्चा रोता था तो मां कहती थी बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, और आज सन 2002 में डुप्लीकेट शोले में जब गब्बर दहाड़ता है तो पेट में सोया हुआ बच्चा भी जाग जाता है और पेट फाड़ कर बाहर आ जाता है। रही बात इस चुटिया की, तो मैं इसको चैन की नींद कभी नहीं सोने दूंगा, कभी नहीं। चुटिया डाकू, हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन हमने देखा। चुटिया डाकू, आपने कहा देखा? डर मत रे गंजुआ, हमने सपना देखा। सपना? सपनवा में कहा देखा सरदार? गंजुआ, हमने सपना में एक फिल्म देखी, रामकली। गद्दार पुलिस वाले को मारना चाहते हैं गंजुआ। चुटिया सरदार, चुटिया सरदार, पुलिस आपको पकड़ने आ रही है। का? चुटिया! दरोगा, मेरा नाम है डाकू चुटिया, खड़ी कर दूंगी आज तेरी खटिया। तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगी इंस्पेक्टर खान। Come on!
रोक जा। कब्बर सिंह, कब्बर सिंह, कब्बर सिंह। अरे ओ पुलिसिया, ये तू कहां से भागता हुआ चला आ रहा है? और तेरी हालत देखकर ऐसा लगता है कि तुझे किसी ने कुत्ते की तरह बहुत मारा है। मुझे डाकू चुटिया ने बहुत मारा है। हाँ, तू है तुझ पर। डाकू चुटिया ने तुझको मारा? क्यों, वो हुआ है कि मैं उसे अपनी वर्दी का रोप झाड़ने गया, मगर उसने मुझे ऐसा झाड़ कर रख दिया जैसे लोग चादर से धूल झाड़ कर रख देते हैं। लेकिन गब्बर सिंह, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तिनके को उखाड़ नहीं सकता, और पेड़ उखाड़ने की बात करता है इंस्पेक्टर खान, अब तो कुछ नहीं करेगा। करेंगे तो सिर्फ गब्बर के आदमी, सिर्फ गब्बर के आदमी। बता गब्बर कहाँ है? मुझे बता, मुझे बता। डाकू चुटिया, एक गब्बर डाकू के आदमी को मार रही है, मुझे नहीं मालूम। गब्बर का पता पूछ रही है। बता गब्बर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता, मुझे नहीं मालूम। अरे अपने सरदार गब्बर पत्थर के पीछे का कर रहे हैं? अरे एक नंबर कर रहा होगा या दो नंबर कर रहा होगा? अरे एक नंबर नहीं, दो नंबर नहीं, सकीना का तबला बजा रहे हैं। तबला? उई मैया, ओ उई गब्बर मुए, हाय दैया। एक कीड़े पड़े मुए, धीरे नहीं करता मुआ। गब्बर किधर है? ये पत्थर के पीछे, पत्थर के पीछे। हाय दैया, क्यों रे बेवड़े, तू गब्बर को क्यों आवाज दे रहा है? गब्बर, गब्बर को खबर देने आया हूँ। ओले गब्बर आ गया, बोल कौन सी खबर है? क्यों बे शराब की बोतल से बहका हुआ शराबी, क्या खबर लाया है? गब्बर, बहुत बुरी खबर लाया हूँ मैं। अरे गब्बर, डाकू चुटिया ने तेरे आदमी को मारा और तेरा पता पूछ रही है, तेरे को छोड़ेगी नहीं। डाकू चुटिया, लगता है अब खड़ी करनी पड़ेगी तेरी खटिया। सरदार आप फिक्र मत करो, अभी ये सकीना डाकू चुटिया का निकालेगी पसीना और मुश्किल कर देगी उसका जीना। हाँ ला रे टकले। चुटिया डाकू, चुटिया डाकू, तुझे मारने के लिए गब्बर ने सकीना को भेजा है। सकीना आधी कमीनी आधा कमीना, आने दे, मुश्किल कर दूंगी उसका जीना। अरे डाकू चुटिया, अरे कमीनी कुतिया, बाहर निकाल, आ देख मार मार के तेरा कचीटा निकाल दूंगी। अरे अरे आ डाकू चुटिया, शैतान की बिटिया, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू गब्बर को मारेगी है? अरे ओ गब्बर की रखेल, आज तेरा निकाल दूंगी तेल, मार मार कर तुझे बना दूंगी कान का मैल। उई मां, तू मेरा तेल निकालेगी? अरे आज तो मैं तेरा तेल निकालूंगी और तेल को अपने सर पे लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी, और न जाने कहाँ कहाँ लगाऊंगी चुटिया। Oh!
से मारी। अच्छी तरह जानता हूं सकीना कि तुझे डाकू चुटिया ने मारा है और ऐसी जगह मारा है जो कि मैं बता नहीं सकता। तू फिक्र मत कर सकीना, तेरा गब्बर अभी तक जिंदा है। ओ गब्बर जो डुप्लीकेट छोले का बाप है, बाप। जब गब्बर रात को निकलता है तो रातों का अंधेरा कहां पुरता है और कहता है ओ देखो रातों का राजा यानी शहंशाह आ रहा है। शहंशाह काले बे, तू रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। अबे गाड़ी क्यों रोक रहे? लड़की की चीख। बॉर्डर क्रॉस किया क्या? नहीं तो फिर चल। हाँ चल। गाड़ी क्यों रोकी उस्ताद? लड़की की चीख। बॉर्डर क्रॉस किया क्या उस्ताद? लड़की ने बॉर्डर क्रॉस किया। अरे तेरे जात का पैदा मारो, तू ले रहे इसको। अबे तेरी जात का पैदा मारो क्या रहा? उस्ताद भाग रहे रहे। चल गाड़ी चला। हाँ बैठो साथ लीजिए। गली का कोना कोना छान मारो, धर्म बचना नहीं चाहिए। खामोश। जहाँ अधर्म होता है वहाँ धर्म होता है। जीवन मृत्यु तक चलेंगे हम सोलों पर। मेरा गांव, मेरा देश, मेरा भारत महान है, इसीलिए तो धर्म अभी भी जवान है। कसम ओ तेरे मदे। अबे तलवार क्या दिखाता है? आज हम एक एक हिंदुस्तानी को गोलियों से उड़ा देंगे। क्यों हिंदुस्तानी को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानी के वजह से आप लोगों का वजूद है। सारी दुनिया जानती है बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ दिए थे, तब का आपके सर पे तरपाल आई है। बरसात में बचने की हैसियत नहीं और गोली बारी की बात करते। अगर मैं अपने बीवी बच्चे के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सर काट भी सकता हूँ। ए हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान को जिंदा नहीं मुर्दा बना देंगे और अपना कश्मीर हासिल करके रहेंगे। दूध मांगोगे तो खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो चाय दूंगा। जाओ वरना तुम्हारा केस यही फाइल कर दूंगा। न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ। वो भी ताबड़तोब। क्यों रे बंदी, पहचानता है इसे? पहचानता हूँ कमिश्नर। घोड़ा बोलते इसको क्या? घोड़ा कितने का आता है? 2 पेटी का।
किसको बोलते है? दौला को बोलते रहे, ये देख को बोलते मैगजीन, ऐसा डालने का ट्रिगर पर उंगली रखने का, ऐसा डालने का सामने वाले का खल्लास। नकली है। तेरे को जानता हूं मैं कमिश्नर, लेकिन तेरे को एक बात मालूम नहीं, बलिया ना ऐसे तमंचो घोड़े पे अपनी भाईगिरी नहीं करता है क्या? इस पे करता है हाथों पे। अरे यार हम लोग तो बाहर हैं, लेकिन हमारा दोस्त बल्ली जेल में है, ना जाने कब जेल से बाहर आएगा। अरे बल्ली तू तो जेल में था ना, यहाँ के जेल से भाग क्या है? अरे अपुन ने भी जेल में उन पुलिस वालों ऐसा फटका किया है क्या, समझा क्या? अरे उनको तो मालूम पड़ना चाहिए बल्ली जब बला का नाम है, समझा? अरे मान गए यार बल्ली, तू विधाता से कमाता आया, खलायक में तहलका मचाया, वास्तव में तू रियल हीरो है। अरे मगर अपने वो जय और वीरू डुप्लीकेट शोले के हीरो किधर गए? अरे दोनों साथ साथ रहते हैं, जैसे गोश्त के अंदर हड्डी और पैंट के अंदर चड्डी, गाते होंगे कई दोस्ती का गाना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हमें क्यों रोका, हमने क्या किया? क्या किया? जय और वीरू, तुम लोग शोले के हीरो जय और वीरू हो ना? नहीं नहीं साहब, हमारा नाम जय वीरू जरूर है, हम वो शोले के हीरो नहीं है, हम तो डुप्लीकेट शोले के हीरो। जी डुप्लीकेट शोले? तुम्हारे पास डीओसी है? नहीं साहब, हमारा डीसी नहीं, पीओसी है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। जी ये डीओसी का होता साहब? डीओसी का मतलब होता है डुप्लीकेट अंडर कंट्रोल, तुम दोनों को अंदर कर दिया जाएगा अभी। क्या सर? डुप्लीकेट अंडर कंट्रोल, यानी कि इस केस में अंदर? चल भैया। ठाकुर साहब आपने मुझे याद किया? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे जय और वीरू का पता चाहिए, वो कहाँ मिलेंगे, मुझे उन दोनों की सख्त जरूरत है। जय और वीरू वो डुप्लीकेट? हाँ। ठाकुर साहब आपको उनकी जरूरत पड़ गई, वो दोनों तो किसी काम के नहीं है। नहीं वो दोनों बहुत काम के हैं, ये बात उन दिनों की है जब मैं उन दोनों को बेलापुर से लेकर रामगढ़ जा रहा था। तुम दोनों एक काम कब से कर रहे हो? बस फुल पैंट पहनते ही अपने पैरों पे खड़े हो गए। लेकिन चोरी चकारी क्यों करते हो? पैसों के लिए ठाकुर साहब, जैसा कि आप करते हैं। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, मुझे खतरों से खेलने का शौक है। खतरों से तो हम भी खेलते हैं ठाकुर साहब। फर्क है, तुम कानून तोड़कर खतरों से खेलते हो और मैं कानून की रक्षा करने के लिए। लेकिन इन दोनों के लिए बहादुरी की जरूरत होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ठाकुर साहब आप इन लोगों से अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। सोच लो ठाकुर साहब, अभी भी वक्त है। ठीक है, भागने की कोशिश मत करना। ठाकुर
आपके तो गोले लग गए। ठाकुर साहब आपके तो खून बह रहा है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम लोग डाकुओं की चिंता करो, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। ठाकुर साहब मेरो ये तो बेहोश हो गया, क्या बोलते हैं? निकाल सोने का सिक्का। हेड रुकते हैं, चल चलते हैं। हेड रुकना पड़ेगा। वो दोनों बुरे जरूर थे मगर बहादुर थे, इसीलिए मैं उन दोनों की तलाश कर रहा हूँ। ठाकुर साहब खबर मिली है दोनों सेंट्रल जेल से रिहा आज ही होने वाले हैं। अच्छा सेंट्रल जेल। ठाकुर ठाकुर साहब आप? हाँ मैं। कहिए यहाँ पे कैसे आना हुआ? मेरे लिए काम करोगे तुम लोग? काम हम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। क्या कीमत देंगे डाकू साहब? मेरे लिए गब्बर को पकड़ोगे? गब्बर, वो मशहूर डाकू? ठाकुर साहब गब्बर कोई गधे का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिए। जानता हूँ काम बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे भी तो नहीं मिलते जो मैं देने जा रहा हूँ। कितने पैसे देने के लिए तैयार है आप? 1,00,000। एक पेटी की बात करता है। एक पेटी? लेकिन ठाकुर साहब हमने सुना है गब्बर सिंह पे खोखे का नाम है। खोखा? ये खोखा क्या होता है? ठाकुर साहब हमारे यहाँ खोखे को 1,00,00,000 बोलते हैं और 1,00,000 को एक पेटी। अच्छा वाह ठाकुर साहब वाह, गब्बर को पकड़े हम, हमें सिर्फ 1 पेटी और खोखे को आप ले जाए, बड़े चालाक है आप। नहीं इनाम का खोखा भी तुम्हें ही मिलेगा, मुझे तो सिर्फ गब्बर चाहिए गब्बर। अरे ओ दरोगा बाहर निकल, देख गब्बर आया है। गब्बर आज मैं तुझे अपने जुल्म का जलवा दिखाऊंगा और मौत का हलवा खिलाऊंगा। बाहर आ। आओ दरोगा आओ, सुना है तुम गब्बर को पकड़ना चाहते हो, अपनी मौत को पकड़ना चाहते हो है? क्या तुझे मालूम नहीं था कि गब्बर ने कसम खाई है कि इस गांव में पुलिस थाना नहीं बनेगा, और तूने इस गांव में पुलिस थाना बनाकर आज अपनी मौत को दावत दी है। आज ये गब्बर तुझे मिटा डालेगा दरोगा। मर गया साला, जो डर गया समझो मर गया। रामगढ़ के वासियों, इस रामगढ़ में कोई पुलिस थाना नहीं बनेगा, ये गब्बर का कायदा है। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, सुनो तुम लोगों ने। क्या ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ साहब? रामगढ़ की घाटियों में कोहराम मचाने वाले टाकू गब्बर ने रामगढ़ के थानेदार को मार डाला। साहब अभी सुना है कि गब्बर सिंह ने कसम खाई है कि रामगढ़ में कभी भी चौकी बनने नहीं देगा। और हमने भी कसम खाई है कि रामगढ़ में पुलिस चौकी जरूर बनेगी, वहां पुलिस के सिपाही और थानेदार जरूर जाएंगे। रहा सवाल गब्बर सिंह का, उसे एक दिन कानून के शिकंजे में आना पड़ेगा। सरदार अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या हम लोगों को भी पकड़ोगे? जय और वीरू को भी तो पकड़ो। जय और वीरू तो पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। इंस्पेक्टर तुम्हें रामगढ़ जाकर पुलिस चौकी बनानी है और तुम इन सबको साथ लेकर और मंगल सिंह जंगल सिंह और तंगल सिंह को भी साथ लेकर बड़ी झील पहुंचोगे। तुम दोनों को साथ साथ जाना है और अगर इनमें से कोई भी किसी को छुड़ाने की कोशिश करे तो गोली मार दो उसे। जंगल मंगल आज पुलिस हम तीनों को यहां से बड़ी झील ले जा रही है, वो भी रामगढ़ की पहाड़ियों से। अगर ये खबर गब्बर को लग गई ना तो हम तीनों को वो जरूर छुड़ाएगा। हाँ मुझे पता है
कि हमारे तीन खतरनाक साथी जंगल सिंह, दंगल सिंह और मंगल सिंह को आज पुलिस इन पहाड़ों के बीच से लेकर जाने वाली है। पुलिस की जीप जिसमें हमारे तीन साथी जंगल मंगल और दंगल है, आज हमें उन्हें किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। भले के उन्हें एक एक पुलिस वाले की जान चली जाए। फायर करो। पुलिस वाले मारे गए, हमारे तीनों साथी बच गए। जंगल मंगल दंगल। कुत्ते खराब जाते। जय गुरु, मैं तुम लोगों का साथ आगे तक नहीं दे सकता। मेरा सफर तक था। मैं लगता इंस्पेक्टर जिंदा है। आओ चले। अरे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, ये डाकू कौन था? गब्बर सिंह। गब्बर वीरू, क्या बोलता है, रामगढ़ चले या नहीं? निकाल अपना सिक्का। रुकते हैं, टहल चलते हैं। लगता है चलना ही पड़ेगा। तुम तीनों का यह रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे भी है और तुम तीनों के पीछे भी। तुम लोग ऐसा करो, काली पहाड़ी में जाकर छिप जाओ। मुझे तुम लोगों की जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब डुप्लीकेट चोरी की कहानी आगे बढ़ेगी। अच्छा तो ये है रामगढ़। जय, हमें तो ठाकुर से मिलना है। वो देखो ठाकुर लुल्ला शायद हमारा इंतजार कर रहा है। चलो आगे। तुम लोगों को यहां पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं ठाकुर साहब, कोई खास तकलीफ नहीं। मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि तुम लोगों के यहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें बाकी के बचे हुए 50,000 रुपए दे दूंगा। ठाकुर साहब, शाम को पूरे 50 मिल जाएंगे ना? ठाकुर ने जो एक बार वादा कर दिया सो कर दिया। ठाकुर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज मेरा यकीन सच साबित हो गया। वीरू और जय अपने साथियों के साथ इस गाँव में आ गए। आ गए होंगे, मुझे क्या करना है? तुम्हें सिर्फ इतना करना है बसंती कि तुम बहू के साथ जाओ और उन्हें 50,000 रुपए देकर आओ, जैसा कि मैंने उनके साथ वादा किया था। यार वीरू, शाम हो गई, ठाकुर ने 50,000 नहीं भेजे भाई। अरे मिल जाएंगे, फिक्र मत कर। बसंती इस गांव में ये यहाँ क्या कर रही है? बसंती के साथ में ये कौन है? अरे बसंती, तुम यहाँ पहले से ही मौजूद हो? क्यों, कोई तकलीफ? नहीं कोई तकलीफ नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा भी दिल बहल जाएगा। वीरू ये दिलविल की बात छोड़ो, ये ठाकुर ने 50,000 रुपए दिए, पकड़ो इन्हें। अरे वाह, ठाकुर साहब वादे के बड़े पक्के हैं। तो तुम भी अपने वादे के पक्के रहना। जय राम जी की।
जय, मैं तो बसंती को देख रहा हूँ, तू किसे देख रहा है? यार वीरू, मैं तो उसकी साथ वाली को देख रहा हूँ। अच्छी है। अच्छे की बात छोड़, कल की तैयारी करते हैं, डाकू आने वाले हैं। गांव की औरतों, सब लोग कान खोल कर सुन लो, सब लोग दो मुझे एक एक घाघरा चोली, नहीं तो मैं मार दूंगी तुम सबको गोली। हेलो, हाय दैया, हाय ठाकुर, तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, मैं तब तक जिंदा रहूंगा सकीना, जब तक वो गब्बर दरिंदा जिंदा रहेगा। उई मां, अरे ठाकुर मुए, कौन रोकेगा हमको? हाँ? मैं और मेरे आदमी। अरे सुनो, ठाकुर ने मेरे जैसी फौज बनाई है। नजर उठाकर देख ले सकीना, मौत तेरे सर पे नाच रही है। उई मां, ठाकुर ये तो जय और वीरू के डुप्लीकेट है, बस दो दो नहीं पांच है। और सकीना, तेरी कांच निकालने के लिए ये पांचों काफी हैं, नजर घुमाकर देख ले। हाय दैया, तीन और डुप्लीकेट हैं, वो भी आज के सितारे के, मिथुन, सन्नी। हाय दैया, ये तो संजय हैं। ठाकुर, यानी कि तीन ये, दो ये, पांच डुप्लीकेट। हाय, सुनो, अरे सुनो, ठाकुर ने डुप्लीकेटों की फौज बनाई है। उई मां, हाय दैया, इनके पास बंदूकें भी हैं। गब्बर से जाकर कह दो कि रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने बोटियां डालना बंद कर दिया है। चले जाओ। जाती हूँ ठाकुर, जाती हूँ, मगर इतना याद रखना, अगर गब्बर को पता चला कि तुम लोगों ने सकीना को बोरियां देने से मना कर दिया ना, तो तुम लोगों के लिए बहुत खतरा हो सकता है। हाँ, अरे चलो रो मुए, चलना रे। कितने आदमी थे? मुए पांच थे सरदार। शोले में तो दो थे, जय और वीरू, ये तीन डुप्लीकेट और कहां से आ गए रे? लेकिन सरदार, ये तो डुप्लीकेट शोले हैं ना। क्या? हाँ सरदार, डुप्लीकेट शोले, जय और वीरू के तो डुप्लीकेट आए हैं, उनके साथ साथ तीन और डुप्लीकेट आए हैं। तीन डुप्लीकेट? ओ डुप्लीकेट किसके हैं बोलो। सरदार, एक संजय दत्त का डुप्लीकेट है, एक मिथुन चक्रवर्ती का डुप्लीकेट है, और तीसरा ना सरदार, वो आजकल फिल्म चल रही है ना गदर, वो उसका है ना, वो सनी दीवाल, उसका डुप्लीकेट है। हाय, क्या मसल है उसके। वो पांच डुप्लीकेट थे, मगर तू तो असली थी ना सकीना, और फिर भी वापस आ गई, वो भी खाली हाथ। क्या सोच कर आई थी? गब्बर बहुत खुश होगा, इनाम देगा, शाबाशी देगा। क्यों? तुम तीनों की इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अरे ओ तुन्ना तुन्ना, आओ जी सरदार। तनिक दे तो तमंचवा। लो सरदार। इस तमंचा में कितनी गोली है हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में तीन जिंदगी और तीन मौत बंद है, देखे किसको क्या मिलता है।
तेरा क्या होगा टकले? बच गया टकला। तेरा क्या होगा लंबू? मुझे मत मारो सरदार। ये भी बच गया। तेरा क्या होगा सकीना? मुझे मत मारो सरदार। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दी है और आपने मेरी ली है। मैंने आपको उस दिन पत्थर के पीछे दी थी ना सरदार। गब्बर जब किसी की एक बार ले लेता है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता है। आज देखता हूं तेरे नसीब में क्या लिखा है, जिंदगी या मौत। ये भी बच गई। हाय, मैं तो बच गई सरदार। हे सरदार, मैं तो बच गई। हे सुनो रे, देखो मैं बच गई। तू ही ना बच गई साले। अरे कमाल है तुम्हारे। अरे तू ही ना बच गए। अरे तू ही ना बच गए रे। अरे तू ही ना बच गए। जो डर गया समझो मर गया। अरे ओ सकीना, तू क्यों मर गई? हमने तो तुझको गोली नहीं मारी, हमने तो दुई गोली चलाई है। हाँ सरदार, मैं तो डर के मारे मर गई थी, पर आप ही ने तो कहा था ना जो डर गया समझो मर गया। मैं तुझे कैसे मारूंगा सकीना? हाँ? तू तो बड़े काम की चीज है। सकीना तो कहती थी कि पांच डुप्लीकेट है, यहां तो ससुरा कौनो दिखाई नहीं देता। अरे ओ पांचों डुप्लीकेट आते हो बाहर, ताकि पूरे गांव वालों को गोली मार दूं। चलो जय। Thank you.
बिल्कुल जय जैसा लगता है, एकदम परफेक्ट डुप्लीकेट। अरे कहाँ रे तेरे बाकी के चारों डुप्लीकेट? अरे डुप्लीकेट नंबर दो आता है बाहर कि डुप्लीकेट नंबर वन को मार दूं गोली। नहीं बहुत याराना लगता है। हाँ सकीना तो कहती थी कि पांच डुप्लीकेट है, यहां तो ससुरा दुइया दिखाई दे रहा है, तो तीन कहां चले गए? अरे वो बाकी के तीन डुप्लीकेट तुम सब बाहर आते हो, या दोनों को गोली मार दूं। बहुत याराना है। तो ये है ठाकुर की फौज। तो ठाकुर ने इन पांचों को गब्बर से बचाने के लिए बुलाया था। रामगढ़ के वासियों कान खोल कर सुन लो, गब्बर से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। ठाकुर तो तूने इन लोगों को लाया था रामगढ़ के वासियों को गब्बर से बचाने के लिए, देख आज इनके जान के लाले पड़ गए, खुद इनके जान के लाले पड़ गए। रामगढ़ के वासियों कान खोल कर सुन लो, जो तुम्हें गब्बर से बचाने आए थे आज वो खुद ही इसी चौपाल के सामने गब्बर के पैर पर अपना सर रखकर अपने जान की भीख मांगेंगे, अपने जान की भीख मांगेंगे। सुना ठाकुर, मैंने क्या कहा? तेरे पांचों डुप्लीकेट इसी चौपाल के सामने यहीं पर गब्बर के पैरों पर अपना सर रखकर अपने जान की भीख मांगेंगे। लंबू तू सबसे पहले अपने जान की भीख मांगेगा, ये पैर और तेरा सर। चलो जय। सुना तूने लंबू, मैंने क्या कहा? ये पैर ओ सर। रामगढ़ के वासियों ये तुम लोगों को डाकू गब्बर से बचाने के लिए आए थे, आज खुद एक गब्बर के सामने अपने जान की भीख मांगेंगे। सुना तुमने? इसी चौपाल के सामने अपने जान की भीख मांगेंगे। हे सुना तूने लंबू, मैंने क्या कहा? ओ सर ये पैर। चलो जय। Thank you.
गोलियां खत्म हो गई। वीरू वो देख। ठाकुर साहब अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्यों? मैंने तुम्हें गब्बर को पकड़ने के लिए एक पेटी एडवांस में दी है। एक पेटी? ठाकुर साहब क्या हम लोगों की जान की कीमत सिर्फ एक पेटी है? नहीं, लेकिन एक खोखा भी तो मिलने वाला है। खोखा खोखा खोखा, इसी खोखे के चक्कर में तो हम दुश्मनों से लड़ने के लिए आए, और तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपने सामने पड़ी हुई बंदूक भी नहीं उठाई। बोलो क्यों? अरे वीरू वीरू, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुझे मालूम नहीं कि फिल्म शोले के अंदर ठाकुर साहब के हाथ नहीं थे? हो सकता है इसके बिना हो। नहीं, मैं लूला नहीं हूँ। अरे वीरू, इसके तो हाथ है, ये लूला नहीं है। फिर क्या आवाज आती तुमने बंदूक उठा के रख दी? जानना चाहते हो? बिल्कुल जानना चाहेंगे। मैं अंधा हूँ। तुम अंधे हो? हाँ। ये दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ये दिखाई दिया? जी नहीं। हाँ जय, ये तो सचमुच में अंधा है। हाँ यार, ठाकुर साहब आपको ये अंधा किसने किया? दरअसल बात ये उन दिनों की है जब एक दिन मैं डाकू गब्बर सिंह का पीछा कर रहा था। गब्बर! इंस्पेक्टर ठाकुर। गब्बर रुक जाओ। गब्बर आज तू बच नहीं सकता। गब्बर, मैं कहता हूँ रुक जा। गब्बर, गब्बर, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। गब्बर ठाकुर, आज पहली बार किसी की रिवॉल्वर ने गब्बर की छाती का निशाना बनाया है। गब्बर, अभी तो मेरे रिवॉल्वर ने सिर्फ निशाना बनाया है, अगर तूने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो मेरे रिवॉल्वर की गोली तेरा सीना चीर कर निकल जाएगी। तू अच्छी तरह जानता है गब्बर कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मेरी आंखें बहुत दूर तक देखती हैं। आंखें? आज से तेरी आंखें ठाकुर मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या बकते हो? गब्बर जेल से भाग गया। गब्बर को एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आना पड़ेगा। गब्बर, गब्बर कमीने बाहर आ। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तू कानून की सलाखें तोड़कर भागा है। गब्बर बाहर आ। गब्बर छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आओ ठाकुर आओ, बहुत फड़फड़ा रहे हो। उस दिन अदालत में मैं भी इसी तरह फड़फड़ा रहा था। अकेले मिल जाते ठाकुर तो टेट को दबा देता, मगर क्या करे, चार चार पुलिस वालों ने जकड़ रखा था। हे बोलो ठाकुर, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? गब्बर, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आंखों से तुझे फांसी पर चढ़ता हुआ देखो। गब्बर, तुझे फांसी पर चढ़ता हुआ देखो। हाँ आंखे याद आया ठाकुर, तेरी आंखें गब्बर की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज मैं तेरी आंखें तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। नहीं गब्बर, ये आंखें हमको दे दे ठाकुर। नहीं गब्बर, ये आंखें हमको दे दे ठाकुर। और इस तरह गब्बर ने मुझसे मेरी आंखें छीन ली। ठाकुर साहब, अब ना हमको खोखा चाहिए ना पेटी। और हम कसम खाते हैं आपकी लड़ाई अवश्य लड़ेंगे। गब्बर और उसके आदमियों को चुन चुन के मारेंगे। चुन आदमी थे सरदार? दो आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों। सरदार, आप जब भी एक नंबर दो नंबर जाते हैं तो सिर्फ गब्बर सिंह का ही डायलॉग सुनते हैं। क्या गब्बर सिंह के सिवा और किसी की एक्टिंग नहीं आती? खामोश।
खामोश, मेरे अंदर बहुत से विलन के भूत घुसे हुए हैं, यानी हम जिसको सुनने के बाद ही मोशन में आते हैं, उसके बाद मोना, अब हम जाते हैं निकालने अपना सोना, चलो। आ गई शोले की कैसेट, ये पानी, अब एक नंबर दो नंबर दोनों हो जाएगा, चल गब्बर जल्दी। ओह जल्दी चल, जल्दी चल, बहुत दर्द कर रहा है। सरदार की इतनी बदबू, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा? सरदार किधर है? पत्थर के पीछे, पत्थर के पीछे। एक नंबर घरिया, दो नंबर, एक नंबर भी कर रहा है, दो नंबर भी कर रहा है। सुना, पूरे 50,000। अरे सरदार पत्थर के पीछे बैठ के शोले का डायलॉग क्यों बोल रहे हैं? शोले के डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, टेप रिकॉर्ड में कैसे डालकर कैसे सुन रहे हैं? जब तक वो कैसे सुनना ले, न उनको एक नंबर आती है न दो नंबर। गब्बर, अरे ओ गब्बर, अरे इतना चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे वो टूटे हुए खम्भे, गब्बर सिंह कहाँ है? गब्बर सिंह पत्थर के पीछे, छह गोली है इसके अंदर। पत्थर के पीछे क्या कर रहा है? एक नंबर और दो नंबर। हाँ अच्छा, दो नंबर, इसीलिए इतनी बदबू आ रही है। बदबू नहीं, हाँ हाँ मेरा मतलब है खुशबू आ रही है। ये खान का बच्चा। अरे ओ इंस्पेक्टर खान, ये पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहा था? तुझे मालूम नहीं कि मैं पत्थरों के पीछे क्या कर रहा था? हाँ तू ऐसा चिल्लाया कि मेरा सब कुछ बंद हो गया। अरे मैं इसलिए चिल्ला रहा था गब्बर, जब किसी का पेट खाली होता ना तो चिल्लाता है। समझ गया घसियारे, तू घूस खाने आया है, मैं जो हड्डी फेंकता हूँ तू उसे चबाने आया है। अंधेरी रात में खोल के दिया हाथ में, बाबू का देश है, बापू के देश में ईमानदारी से काम करने का, गंदे कपड़े नहीं सीने का। अरे आगरा का घाघरा इधर से आया, कौन फेंका? उल्लू। उल्लू नहीं, मेरा नाम गुल्लू है, गुल्लू दर्जी। अच्छा गुल्लू दर्जी, मुझे घाघरे की चोली सिलवानी है। मगर माप के लिए दूसरी चोली लाई हो क्या? चोली तो नहीं लेकर आई हूँ, पर यहीं पर माप ले लेना। कैसे लूँ तुम्हारी, मेरा घूंगा है, दो दिन से ढूंढ रहा, नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है रे? आओ मिल गया, यही टेप है, अभी मैं पीछे से लूंगा तुम्हारी माप। माप पीछे से क्या माप ले रहा है, आगे से लेना। ओ आज तक मेरे बाप ने मेरी माँ का आगे से नहीं लिया, माप मैं कैसे लूँ? तेरे बाप ने तेरी माँ की नहीं ली, पर तू तो मेरी ले। टूट गया, टूट गया, अब मैं कैसे लूं, नहीं ले सकता। तो हाथ तो है ना? हाथ नहीं है, हाथ में नहीं है। हाथ नहीं तो ये क्या है? चल हाथ से माप ले जल्दी। लेता हूँ, लेता हूँ, लेता हूँ। ले, बहुत बड़ा है, हाँ छोटा है, सामान बड़ा है, लबड़ा ही लबड़ा है। अरे यहाँ ऐसे कैसे बैठी है? कपड़े सीने को बैठी है या धोने को बैठी है? हमारे में तो ऐसे ही बैठते हैं। ऐसे ही बैठते हैं, मगर हमारे तो सुबह के टाइम बैठते हैं। अब मुझे सीना सिखा दे। सिखाता हूँ, सिखाता हूँ, पहले सुई में धागा डालो। धागा इतना मोटा और सुराख इतना छोटा, धागा जाएगा तो कैसे जाएगा? पहले थुको, थुको, अरे मेरे में नहीं, धागे में थुको। अभी डालो। गया गया ना, थुकना नहीं जाता है, अपुन बोला।
तो चल ना अंदर, हम भी थूक लगा के आते हैं। चल करना करना पड़ेगा। हाँ, थूक लगा के। थूक लगा के लगा दो। थूक लगा के आई एम अ डिस्को डांसर। अरे आप तो बिल्कुल मिथुन जैसे लगते हैं। अरे लगता भाई हूँ मैं। क्या आप मिथुन चक्रवर्ती हो? हाँ। अच्छा आपने श्रीदेवी, जया प्रदा सबके साथ काम किया होगा ना? हाँ सबके साथ किया है। मुझे भी फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है। अरे तुम तो टॉप के हीरोइन बन सकती हो। सच्ची? हाँ मगर मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं करने को तैयार हूँ। बोलिए। मेरे साथ प्यार करोगी? प्यार? और आपसे? नहीं तौबा, मैं तो आपको भाई मानती हूँ। ए चल गलती का, तू हीरोइन नहीं बन सकती। चल 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 चल। दादा ये क्या बोल के गई है? अरे कुछ नहीं। अरे कुछ तो बोली होगी। अरे बोला ना कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो बोल के गई है। नहीं बाबा कुछ नहीं बस। हमको मालूम है तुमको भाई बोल के गई है। और तू चिंता मत कर, हम किसी से बोलेंगे नहीं। नहीं वीरू, ये जो तुम सब कुछ यहाँ देख रहे हो ना, ये मेरे बाग बगीचे हैं और मैंने इनमें सबसे ज्यादा आम के पेड़ लगाए हैं। मैं तो नहीं देख सकता, तुम्हें नजर आता है? आम के पेड़? यहाँ कहाँ है आम के पेड़? जरा गौर से देखो, नजर आएंगे। आम के पेड़ पके हुए हैं। नजर आ गया ना? हाँ पके हुए हैं ठाकुर साहब, बहुत पके हुए हैं। मेरे यहाँ के जो आम होते हैं ना, काफी मीठे और रसीले होते हैं। हाँ। इसलिए चूसा करते हैं उसको। हाँ ठाकुर साहब मैं जरूर चूसूंगा। चूसना वीरू, सेहत तुम्हारी और अच्छी हो जाएगी। सेहत बनाऊंगा आम चूस चूस कर। वाह वाह जय, क्या निशाना है। आ, वो देख मिथुन दादा की बहन आ रही है। अरे आने दे आने दे, हमारी जी बहन है। वीरू तुमने तो शोले में बसंती को बंदूक चलाना सिखाई थी ना, तो इस डुप्लीकेट शोले में तुम मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। क्यों नहीं, तुम्हें तो मैं घंटे में सिखा दूंगा। बसंती को दोनों ने 2 सेकंड में सिखा दिया था। मुझे भी सिखाओ ना। बड़े बड़े निशानेबाज कहते हैं, वीरू तुम्हारे जैसा निशानेबाज नहीं देखा। बड़े बड़े निशानेबाज मेरे पैर छूते हैं। ये देखो छुआ, इसको भी सिखाया मैंने। तुम मुझे भी सिखाओ ना। क्यों नहीं, मैं तुम्हें 2 मिनट में अभी सिखा देता हूँ। कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ो। हाँ? ये ऐसे पकड़ो। हाँ? और ये हाथ यहाँ पकड़ो। हाँ? और ऐसे। तू क्या देख रहा है? कुछ नहीं। ये देखो। हाँ? और फिर ये। हाँ? ये ऐसे। तुम मुझे बंदूक चलाना सिखा रहे थे कि मुझ पे हाथ फेर रहे थे? तो तुम मुझे गलत समझ रही हो। जाओ यहाँ से। बड़े आए बंदूक सिखाने वाले, नहीं सीखनी तुमसे बंदूक। अरे यार तू नाराज क्यों हो रहा है यार? नाराज नहीं हूं तो और क्या, बसंती मुझे मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल से फंसाया था, वो भी हाथ से निकाल दी। चल दो जीवन बढ़ा लेंगे। चल इंडियन। अरे कुछ सुना क्या? अरे लोग जमीन पे इज्जत लूटते हैं और वो गब्बर का फलाद लड़की की तालाब में इज्जत लूट रहा है। क्या तू सच कह रहे? कोई शक? मैं उसे तालाब से बाहर निकालकर ऐसी पहाड़ी में मारूंगा। अबे वो काले पहलवान, छोड़ दे उस लड़की को। कौन है तू? तुझे आने की परमिशन किसने दी? मैं इंडियन हूँ इंडियन। जब कोई बहन की इज्जत लूट रहा हूँ
तो बेटा बाप से परमिशन लेगा और साहिबा उसको यही मारेगा और यही मन किया है। चल अब आजा आजा वो सब होगा बकर पंजाब की औलाद, मैं हूं फौलाद फौलाद। ये पंजाब का पंजा है, पड़ जाएगा ना तो दो वट जाएगा। सरदार अपना फौलाद सिंह था, फौलाद सिंह पानी में बहुत तैरता था। हाँ वो गदर का तारा सिंह है ना, उसको पानी से बाहर निकाला और पंजाब के पंजों से मार मार के उसको उड़ा दिया। क्या फौलाद सिंह भी मारा गया? आप देख रहे सकीना, वो पंजाब का पुत्र भी मरेगा और मरने से पहले गब्बर सिंह के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करेगा, गब्बर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मगर गब्बर सिंह किसी को माफ नहीं करता, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसके जिंदगी का पत्ता साफ कर देता है। गब्बर आओ बाहर निकल कुत्ते। हाय दैया, मर गई मैया, तुम तो एकदम सनी की डुप्लीकेट हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तारा सिंह है। हाय तारा सिंह, और मेरा नाम क्या है जानते हो? क्या नाम है तुम्हारा? सकीना। अरे ओ सकीना, ये तू क्या इसके साथ टाका भिड़ा रही है? तेरा टाका तो मेरे साथ भिड़ा है, ये टाका भिड़ाना छोड़ और बांध दे साले को। उइमा गलती हो गई सरदार, मैं पागल हो गई थी इसके इश्क में। अरे उइमा पकड़ लो इसे। लो सरदार पकड़ लिया, अब क्या करूं? अरे ओ जरा कैसेटो तो लगाओ, मेरा गांव मेरा देश। जान क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? देखो मैंने सबको पिलाकर बेहोश कर दिया, कहीं गब्बर को होश आ गया ना तो तुम्हें गोली मार देगा। भाग जाओ यहां से। हाँ भाग जाओ। तुम्हारी इस एहसान का बदला मैं कभी ना कभी जरूर चुकाऊंगा। चलता हूं मैं। अब तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। सकीना उइमा उठ गया मुंह। तूने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया सरदार? तुमने मुझे नशा कराकर तारा सिंह को यहां से भगा दिया। तुमको इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। गब्बर मैं सकीना हूं, अगर तू अंगूठी है तो मैं नगीना हूं। तेरा पसीना अक्कल बनकर एक खोपड़ी की झोपड़ी में दौड़ रहा है। क्या मतलब? अरे मुए गब्बर, मैंने तारा सिंह को जानबूझकर भगाया है ताकि डुप्लीकेट शोले मेरा गांव मेरा देश और शोले से अलग हटकर बने, सुपर डुपर हिट हो जाए। हाँ बड़ी चालू है रे तू सकीना, अब तू क्या करेगी है? अरे गब्बर
मैं डुप्लीकेट शोले की खबर तुम तक पहुंचाती रहूंगी और तू एक एक करके उनकी कब्र ना खोदते रहना। यार वीरू, जिस तरह से गब्बर सिंह को हम लोग पकड़ना चाहते हैं, उसी तरह से एक चुटिया डाकू भी गब्बर सिंह को पकड़ना चाहती है। यार ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, अगर चुटिया डाकू ने गब्बर सिंह को पकड़ लिया तो हमारे उस खोके का क्या होगा? यार वीरू तू ये खोका मत बोला कर। क्यों? पब्लिक समझ नहीं पाएगी। एक करोड़ बोला कर, एक करोड़। हाँ तो एक करोड़ का क्या होगा? यार वीरू हम लोग एक काम करते हैं, चल करके चुटिया डाकू से मिलते हैं और देखते हैं कि वाकई इसके अंदर की ताकत है कि वो गब्बर सिंह को पकड़ सके। जय बिल्कुल तू ठीक कह रहा है, चलो चल। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? चुटिया जी, हमने सुना है कि आप गब्बर सिंह को पकड़ना चाहते हैं। सिर्फ पकड़ना नहीं चाहती हूँ, उसे मार डालना चाहती हूँ। तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि तुम गब्बर सिंह को मार सको? जिसके सीने में अपनों की मौत का गम छुपा होता है उसमें इतना दम होता है कि वो पहाड़ों से भी टकरा जाए। गब्बर तो एक छोटा सा पत्थर है रे, उसे एक ऐसी ठोकर मारूंगी कि उड़ता हुआ आसमान पर जाएगा, वापस नीचे आने का नाम नहीं लेगा। गब्बर सिंह ने ऐसा क्या किया जो तुम इतनी नफरत करती हो? उसने मेरे साथ जुल्म किया है, जुल्म। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली। गब्बर सिंह तू? बेटी तू भाग जा। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ तू भाग, भाग जा। अरे ओ इंस्पेक्टर, तू तो पढ़ा लिखा एकदम जाहिल है, अक्कल से एकदम पैदल है। अगर तू भी अपनी बेटी के साथ भाग जाता तो तू भी तो बच जाता। कानून पर मर मिटने वाले मौत से नहीं डरते गब्बर, वो मौत से टकरा जाते हैं ये सोचे बिना कि अंजाम क्या होगा। अंजाम तो वही होगा जो गब्बर चाहेगा। सरदार, ये भाग रही थी इंस्पेक्टर की लड़की, इसे छोड़ा नहीं सरदार। चल बापू, कमीने कुत्ते, तूने मेरे बापू को मार दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी है? आज तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू आईने में अपनी शक्ल देखकर अपनी शक्ल से नफरत करेगी। मैं तुझे टकली कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, मैं तुझे गंजा कर दूंगा। आज के बाद जब भी तू अपने सर पे हाथ फेरेगी हमेशा गब्बर को याद करेगी, गब्बर को, गब्बर को। और उसके बाद मैंने कसम खाई कि जब तक गब्बर की लाश नहीं गिराऊंगी अपने बाल नहीं बढ़ाऊंगी। वाकई चुटिया डाकू, तुम पर बहुत जुल्म हुए हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ चुटिया डाकू, अगर मैंने गब्बर सिंह को पकड़ लिया तो उसको पकड़ने के बाद उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम अपना बदला ले लेना। वाकई तुम लोग डुप्लीकेट शोले नहीं असली शोले हो। संधि कब मिलेगी? कब मैं उससे शादी करूंगा? अरे मिलेगी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। वीरू वो सामने मंदिर दिखता है ना? हाँ। वहां पर तेरी बसंती बहुत जाती है और आज भी गई है। हाँ। और ना जाने भगवान से क्या क्या मांगती रहती है। जय मुझे एक काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। हाँ मुझे तेरा काम मालूम है, ठीक है आता हूँ। प्रभु मुझे कोई अच्छा सा वर देना। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। चमत्कार, एक ही सोमवार में? यस, और उसका नाम है वीरू। वीरू? नहीं नहीं प्रभु, मेरी जिंदगी का सवाल है, दो चार सोमवार और लगेगा चलेगा। चुप रहो कन्या, ऐसे दिखने में तो हीरो जैसा है पर है साला एक नंबर का ब्योड़ा, पर आप कहते हैं तो चल जाएगा। तो जाओ मौसी से खुले हुए शब्दों में कह दो कि वीरू को ही अपना जीवन साथी बनाना है, इसीलिए
कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। सुन रही हो ना बसंती? और सुनो, यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया तो सारी उम्र कुंवारी बैठी रहोगी, यूं कि धनों के साथ तांगा चलाती रहोगी। अच्छा, इसलिए जाओ। बसंती, तुम और यहां, मैंने सोचा कि क्या सोचा? तुम क्या सोचते हो, बसंती बेवकूफ बन जाएगी, तुम्हारे जैसे चार को बाजार में घुमा कर छोड़ेगी। बड़े आए थे बसंती से शादी करने वाले। चलिए बसंती अपने घर। अरे अरे, हेलो हेलो बसंती, तांगे बैठ जाना। बसंती सुनो तो, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जय, मैं तुझसे एक राज की बात कहना चाहता हूँ। कौन सी राज की बात? तू तो जानता है जय, मैं बसंती से बहुत प्यार करता हूँ। यह राज की बात जिसको गांव का बच्चा बच्चा जानता है? राज की बात यह है, मैं बसंती से शादी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ? अरे मौसी से ऐसी बात कर कि मौसी मेरी शादी पक्की कर दे। माफ करना वीरू जी, अगर मौसी जी ने आपके करेक्टर के बारे में पूछ लिया तो? अरे करेक्टर की छोड़, बोलना मेरा दोस्त एक्टर है। अच्छा, पुरुषों में पुरुषोत्तम राम है, एक्टरों में एक्टर दिलीप कुमार है। वाह क्या बात, तो राम है दिलीप कुमार है, फिर तो मुझे मौसी जी से तेरी बात करनी पड़ेगी। सच? तो मेरी शादी पक्की? अजी बिल्कुल पक्की। तुम ठीक कहते हो जय, जवान बेटी माँ के सीने पर बोझ होती है। हाँ। लेकिन उसे फेंक तो नहीं दिया जा सकता। फिर मौसी जी सोचते क्या है? मैं तो कहता हूँ कि बसंती की शादी वीरू के साथ कर दीजिए। बेटा वो कोई काम धंधा कमाता उमाता है कि नहीं? अरे मौसी जी, अब उसे काम करने की क्या जरूरत है? अरे मौसी जी, वो तो बहुत बड़ा बाज है। अरे बेटा ये तो बताओ कि जांबाज है रंगबाज है, कौन सा बाज है? अरे मौसी जी आप भी क्या बात करती हैं, वो कोई रंगबाज नहीं है, कोई जाबाज नहीं है, रंडीबाज है। क्या? मगर मौसी जी इसमें वीरू का कोई दोष नहीं है। अब दोस्त लोग पकड़ के ले जाते हैं तो थोड़ी बहुत पिला देते हैं, अब जब आदमी मौसी जी पी लेता है तो ताश के पत्ते तो खेले गए ना, जब खेलता है तो जीत जाता है और जब जीतता है तो कोटे पे पहुंच जाता है। अब मौसी जी जब इंसान कोटे पे पहुंचता है तो रंडेबाज तो बनेगा ही ना। लेकिन एक बात बोलूंगा मौसी जी, फिर भी मेरा दोस्त वीरू जो है बहुत सीधा है, बहुत नेक है। मैं तो कहता हूं कि समझ गए? अरे बेटा तुमने उसकी सारी अच्छाइयां बता दी, अब ये तो बताओ कि कौन सी और बीमारी बाकी है? अब बीमारी का तो ऐसा है मौसी जी, बहुत छोटी सी बीमारी है उस बेचारे को। वो क्या है आजकल जो नई नई बीमारी चल रही है, एड्स की बीमारी। तो फिर मौसी जी भाई ये रिश्ता पक्का समझो। अरे बेटा भले ही मेरी बेटी 10 के साथ शादी कर ले, लेकिन मैं एड्स वाले बीरू के साथ उसकी शादी नहीं करूंगी। कमाल है मौसी जी, मेरे इतने समझाने के बाद भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू ना जाने क्या करेगा। कूद जाऊंगा मर जाऊंगा गांव वालों, मैं मरना चाहता हूँ गांव वालों। अरे वीरू ऊपर क्या कर रहे हैं? क्यों मरना चाहता रे बेवड़े? कूद जाऊंगा मर जाऊंगा हट जाओ। अरे लेकिन हुआ क्या? ये बड़ी दुख भरी कहानी है भैया,
मैंने बसंती से मांगी थी, उसने देने से मना कर दिया, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। सुसाइड! अरे गांव वाला, न कोई दोस्त है न कोई यार है, सब मेरे प्यार के दुश्मन है। गांव वालों, सब दुश्मन है। ये नहीं चाहते कि मेरा घर बसे, मेरे बाल बच्चे हो। गांव वाला, घड़ी ड्रामा करता। नहीं चाहता, मैं बसंती से। तुम कैसे दोस्तों, तुम्हारे दोस्त ऊपर मरने के लिए खड़ा, और तुम बैठकर कान में उंगली कर रहे हो। साले की शराब उतरेगी ना तो खुद खुद उतरेगा। देख रही रहूंगा। लगता तुम उसे बचाओगे नहीं, मुझे उसे बचाने जाना पड़ेगा। मैं जान देख रही रहूंगा। गांव वालों, मैं मर जाऊंगा। बसंती मुझे देने वाली थी लेकिन वो नहीं देती, इसलिए मर रहा हूँ। अरे वीरू, तुम क्यों मरना चाहते हो? तू देगी मुझे सचवाल? अरे वीरू, मैं तुम्हें दिन में भी दूंगी, रात में भी दूंगी। सच में देगी? अरे वीरू, अबे नीचे आ जा, ये देने को तैयार है पप्पी, आ जा। बोल, जहाँ जहाँ से मांगूंगा वहाँ वहाँ से देगी? हाँ दूंगी। आगे से देगी? अरे वीरू, तुम जहाँ से कहोगे मैं वहाँ से दूंगी, आगे से भी दूंगी। अब तो नीचे उतरो। अच्छा, आगे से देगी? अरे वीरू, मैं आगे से भी दूंगी, दूंगी। तो मरना कैसे? क्या वाला, मैं आ रहा हूँ। वीरू ने तो अपना चक्कर चला लिया, मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा। आ जा, आ जा, आ जा। सुनिए, सुनिए जी, आप मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, ना मरने से डरता हूँ, ना प्यार करने से डरता हूँ, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। देखिए, आपकी इज्जत अच्छी नहीं है। सुनो कि नाक सारी दुनिया में टेढ़ा चलता है, जब वो बिल में घुसता है तो सीधा चलता है। क्या मतलब? अरे तो मर्द 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 जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद नहीं करता। नाक मर्द थाली में छेद, सारा सही है सब क्या? अरे तो उस विधवा को मिलने के लिए मंदिर क्यों चला जाता है? कावलों को पता चला तो? देख तारा सिंह, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और तू देखना बहुत जल्द मैं उससे शादी करूंगा। जय, क्या बात है, किससे शादी करेगा? ये गांव की विधवा से शादी करना चाहता है। लेकिन तू तो किसी और से प्यार करता था। मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। छोड़ दिया? लेकिन क्यों? बताता हूँ कि मैंने उसे क्यों छोड़ दिया। वो एक बियर बार में डांस करती थी। बात उस दिन की है जब वो
और उस दिन मैं उसके बियर बार से चला गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं उसे अपने गांव ले गया, लेकिन उसकी बेशर्मी वहां भी खत्म नहीं हुई। वो गांव के तालाब में सबके सामने खुल्लम खुल्ला नहा रही थी। दिन तमाचा मारने के बाद मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, क्योंकि बियर बार की लड़की को प्यार नहीं, पैसा चाहिए, पैसा। जय, तूने अपने दिल पर इतना गहरा जख्म खाया और अपने दोस्त वीरू को नहीं बताया? जख्म नहीं मेरे दोस्त, मेरे सीने में शोले भड़क रहे हैं, शोले, और ये शोले बुझेंगे दुश्मनों की लाशों से। न जाने इन पहाड़ियों में कब तक घूमना पड़ेगा, पता नहीं गब्बर मिलेगा भी या नहीं। मिलेगा, जरूर मिलेगा, और जब तक गब्बर सिंह नहीं मिलेगा हमारी जंग जारी रहेगी। कोई न कोई तो हमें गब्बर सिंह तक पहुंचने में जरूर हमारी मदद करेगा। अरे ओ तारा सिंह, ये सकीना तारा सिंह को आवाज क्यों दे रही है? तारा, कोई मैं तारा कहां चला गया? ए, सकीना। हाय जय और वीरू। सकीना और तुम्हारे यहाँ? तारा सिंह कहाँ मिलेगा? क्यों, तारा सिंह से क्या काम है? ओए माँ, मैं तारा सिंह से प्यार करती हूँ, उसको देखे भी ना मेरी आंखें तरस गई हैं। मैं सकीना, अगर तारा सिंह से आप प्यार करती हैं तो उसके लिए माफ कीजिएगा, आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाय दैया, मैं फिरोज खान की कुर्बानी तो क्या, अपनी पूरी बिरयानी देने को तैयार हूँ। माफ कीजिए सकीना जी, हमें आपकी ये बिरयानी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो आपकी थोड़ी सी कुर्बानी चाहिए। तो मैं तारा सिंह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। देखो सकीना, हमें ये बताओ कि गब्बर कहाँ और कैसे मिलेगा? जय, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे गब्बर कोई बकरी का बच्चा है और दौड़ो पकड़ लिया, और ये क्या बताएगी, ये तो खुद गब्बर की साथी है। अरे मैं बताऊंगी, अपने प्यार के खातिर मैं गब्बर को कुर्बानी का बकरा बनाऊंगी, मैं जरूर बताऊंगी गब्बर कहाँ कैसे मिलेगा। देखो हर शिवरात्रि के मेले में गब्बर जरूर आता है, कल शिवरात्रि का मेला है, मैं नाचूंगी गाऊंगी और उसकी निशानी बताऊंगी, ठीक है? यार जय, तूने हम लोगों को मेले में क्यों बुलाया? खबर मिली है कि इस मेले में गब्बर सिंह आने वाला है, मगर हम गब्बर सिंह को पहचाने कैसे? सकीना नाच गाकर गब्बर सिंह की निशानी बताने वाली है।
कमीनी, कमजा, सकीना, आज तू मेरी तीन निशानियां बताकर मुझे मरवा देती डुप्लीकेट छोलों के हाथों। उस दिन तूने तारा सिंह को छोड़ दिया था और मुझसे बहाना करके ये बोली थी कि मैं एक एक करके डुप्लीकेट छोलों को लाऊंगी, तुम उनकी कब्र खोदना। अरे कब्र तो दूर की बात है, मैं अब तक चूहे की बिल भी नहीं खो सका। बोल, मुझे माफ कर दो गब्बर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अगर तू अपनी जिंदगी की खैरियत चाहती है सकीना, तो कुछ ऐसी चाल चल ताकि वो डुप्लीकेट छोले मेरे पंजे में आ जाए। तो इस बार मैं ऐसी कोई ना कोई चाल खेलूंगी ना कि डुप्लीकेट छोलों में से कोई ना कोई मारा जाएगा। मैं भी जाती हूँ, उन्हें झूठी खबर देती हूँ ताकि वो लोग तुम्हारे शिकंजे में आ जाए। तो फिर जा, उन तक खबर पहुंचा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा। जाती हूँ। पता सके ना कोई खास खबर? एकदम खास खबर लाई हूँ। आज रात गब्बर जंगलों साथ मिलकर ना जश्न मनाएगा और नशे में। जख्मी हो गए? कोई खास नहीं, गोली हाथ को छू के निकल गई, लेकिन गब्बर सिंह बच निकला। मैं जानता था कि सकीना तुम लोगों से गद्दारी करेगी। प्रवीण ठाकुर साहब, दो चार को तो टपका ही दिया। चल जय। बहू भीतर जाओ। कब तक, आखिर कब तक हम तीनों उस काली पहाड़ी में सड़ते रहेंगे? गब्बर ने हमें यहां भिजवा तो दिया, रोज रोटियां भिजवा देता है और बोटियों का नंबर निशान तक नहीं। बोटियां? बोटी का नाम सुनने के साथ ही मेरे जिस्म की बोटी बोटी फड़फड़ाने लगती है। जंगल सिंह मेरे भाई, जाओ घोड़े पर बैठकर जंगल जाओ और हमारे लिए बोटियां लाओ, बोटियां। अच्छा मेरे भाई बंगल सिंह, अभी घोड़े पर बैठकर जाता हूँ जंगल और जंगल से लाता हूँ हरी भरी बोटियां। भाई मंगल ने कहा था जंगल से बोटी लेके आना, घोड़ा तो लेके जंगल में आ गया, बोटी कहाँ से ले आऊं? खोजता हूँ जंगल में। जंगल सिंह के जंगल में वो भी परी और वो भी हरी भरी। कौन है तुम? मेरा नाम है जंगल सिंह, मेरे शरीर में हाथी और घोड़ा छुपा हुआ है। बोल तुझे कौन सा पसंद है, हाथी या घोड़ा? मुझे घोड़ा बहुत पसंद है। तुझे घोड़ा पसंद है? क्यों पसंद है? जब घोड़ा चलता है, जब आगे पीछे करता है, तो मुझे बड़ा मजा आता है। घोड़ा आगे पीछे करता है, मजे देता है, मैं भी तुझे घोड़े पे बिठा के मजे दूंगा। ओए, अब तेरे जात का पैदा मारू, घोड़े से नीचे उतर लंबे मूछ वाले, वरना तुझे कुत्ते की पूछ बनाकर मारूंगा। क्यों मारेगा? क्योंकि तूने बॉर्डर पार किया, कसम पैदा करने वाले की अपन तुझे पार कर देगा। क्या मुँह छोड़ दे मेरी। कसम पैदा करने वाले की आज के बाद कोई जंगल सिंह पैदा नहीं होगा। मैं तो गोरी राजकुमारी है। हाय दैया, ये जंगल सिंह घोड़े पे बैठने वाला यहाँ किस पे बैठा हुआ है? ये किसने यहाँ लाके उसको बिठा दिया? चल सकीना देखती हूँ। हाँ अरे हाँ, अरे हाँ, ए हाय दैया,
जंगल सिंह तो गया। उई मां रुक जा बसंती, मेरा नाम दंगल सिंह है, बताओ मेरे भाई जंगल सिंह और मंगल सिंह को किसने मारा? मुझे नहीं मालूम। तुझे मालूम है बसंती, क्योंकि तू डुप्लीकेट चोरों के साथी है। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे अपने हवस के पानी में मिलाकर पी जाऊंगा। मेरे बाल छोड़ दे दंगल, अगर वीरू को मालूम पड़ गया ना तो तेरे ऐसी जगह के बाल उखाड़ेगा कि तू जिंदगी भर चिल्लाता रहेगा। मार वीरू मार, इसने मेरे बाल खींचे थे, इसे जिंदा मत छोड़ना। आज मैं तेरी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। सरदार, आपकी दोस्ती के पेड़ में तीन फूल लगे थे, जंगल मंगल दंगल। जंगल मंगल तो पहले ही मुरझा गए और आज उन डुप्लीकेट शोलों ने तीसरा फूल दंगल सिंह को भी मुरझा दिया। अरे गंजुआ, ये का है रे? कौन सी किताब हमरे हाथ में थमा दिए? का शहर के लड़के ऐसे होते हैं जो मरद की चड्डी उतारत हैं? हाँ सरदार, शहरवा में ऐसा ही होता है कि तीन तीन लड़कियां मिलकर एक लड़के की चड्डी उतारती हैं। बहुत मजा आता है। अच्छा, बहुत मजा आता है। एक काम कर, हमरे लिए भी तीन ले आ जो हमरी चड्डी उतार दे। सरदार, आपकी चड्डी उतारने के लिए तीन की नहीं छह की जरूरत पड़ेगी। छह की? छह छह यानी छक्के? हाँ। एक काम कर, तू उन छक्कों को ही ले आ। तो सरदार, मैं इंतजाम करता हूँ छक्के की। क्यों री चुटिया, परी हो शैतान की बिटिया, तुझे चड्डी उतारने के लिए छक्का चाहिए था ना? लो मैं आ गई चुटिया उतारने तेरी चड्डी। हो जिसके चाकू में धार नहीं, जिसकी मयान में तलवार नहीं, वो आई है मेरी चड्डी उतारने। मैं सिर्फ चड्डी नहीं उतारूंगी, मैं तो चड्डी के साथ साथ तुझे मारूंगी, और इतना मारूंगी कि मार मार के तेरी हड्डी नरम कर दूंगी। डाकू चुटिया की हड्डी नरम नहीं, गरम है। अब दिखाती हूँ तुझे मैं अपनी गर्मी। नहीं चुटिया, मेरे छक्के को गोली नहीं मारना, बहुत पाप लगेगा। दुआएं मेरी नहीं लगेगी, पर दुआएं लगेंगी। तेरे जैसे पापी की बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक गोली नहीं मारना। हाँ नहीं, क्या? हाँ सरदार, डाकू चुटिया ने सकीना को मार डाला। डाकू चुटिया ने सकीना को मार डाला, ये तो बहुत दुख की बात है रे। लेकिन आपको क्यों दुख हो रहा सरदार? वो न तो औरत थी न मरा नहीं था। अरे बेवकूफ, मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख उस बात का है कि अब मैं पत्थर के पीछे किसके साथ जाऊंगा। ठाकुर अजीत सिंह, आज तेरी जीत हार में बदल जाएगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब तक गब्बर मेरे साथ है, डाकू चुटिया मुझे नहीं मार सकती। डाकू चुटिया? अजीत सिंह, मैं आज तुझे बिगाड़ूंगी, उजाड़ूंगी।
जोर से उखाड़ कर रख दूंगी। भूल जा इंतकाम, गब्बर के लिए पहाड़ों में भटकना छोड़ दे और मेरी बाहों में आ जा। मैं तुझे दौलत के दरिया में नहलाऊंगा, हीरों के जेवर पहनाऊंगा। दौलत और हीरे आज बन जाएंगे तेरी मौत के घेरे। है? आज ये चुटिया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अजीत सिंह नहीं, नहीं। गंजवा तू और यहाँ गब्बर सिंह, मैं तुम्हारी पनाह में आया हूँ, मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लो। गंजवा तू तो चुटिया की चोटी का एक बाल था, चुटिया जिस थाली में खाना खाती थी वो थाल था, फिर तू चुटिया की चोटी से टूटे हुए बाल की तरह यहाँ क्यों आ गया है? मैंने उस बनी ठनी चुटिया से ठना ठनी हो गई, मैं उसका गिरोह छोड़कर तुम्हारी पनाह में आ गया हूँ। तुझे पनाह मिलेगी गंजवा, लेकिन एक शर्त पर। मुझे हर शर्त मंजूर है। तू जाकर चुटिया का इतना बुरा हाल कर दे कि वो शर्म से पानी पानी हो जाए। समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया कि मेरी दोस्ती का पेड़ उजड़ चुका है। मुझे लगता है कि फिल्म का क्लाइमेक्स आ गया है, अब इन पहाड़ों को एक नया तमाशा दिखाना होगा। अरे जाओ रे तुम सब के सब, बसंती को उठाकर यहाँ ले आओ। जाओ। कितनी देर हो गई, वीरू अब तक नहीं आया। बसंती का तांगा, लेकिन बसंती कहाँ है? बसंती, 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 धन्नो, बसंती कहाँ है? क्या गब्बर के आदमी ले गए? गब्बर, मैं आ रहा हूँ। गब्बर सिंह, हरामजादा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आओ आओ महारथी आओ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ओ बसंती, वीरू आया है, तनिक करीब तो आओ। ले आ गई गब्बर, अब क्या कर लेगा मेरा? गब्बर, बसंती को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मौत की बीन पर नचा नचा के मारूंगा। मैं नहीं नाचूंगा, नाचेगी बसंती और नचाऊंगा मैं। क्यों बसंती, तू नाचेगी ना? अरे गब्बर, तू डब्बर है डब्बर। अरे शोले में नाची थी बसंती और गाना गाया था आशा भोसले ने। तो फिर मैं क्या करूं? तू कुछ करने के लायक नहीं है गब्बर, जो कुछ करूंगी मैं करूंगी। हा? देख गब्बर, मुझे मालूम था तू मुझे नचवाएगा, मैं बियर बार की डांसर हूँ, इसलिए मैं कैसेट साथ में लाई हूँ, तू टेप रिकॉर्डर में लगवा, मैं नचती हूँ। अरे ओ तुन्ना तुन्ना, आओ बोलो सरदार। कुछ सुना तूने, इस छोकरिया ने कहा कहा? अरे ओ कौन सी मशीन है रे, जिसके अंदर कुछ घुसेड़ते हैं तो जोर से चिल्लाती है? आओ उसे टेप रिकॉर्डर कहते हैं सरदार। हाँ याद आया, उसे टेप रिकॉर्डर कहते हैं, उसमें जब कसिटवा घुसेड़ते हैं तब वो गाना गाती है। अरे तो सोच क्या रहा है तुन्नो तुन्ना, छम्मक छलों से कसिटवा लेकर घुसेड़ दे उसके अंदर। नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बहुत याराना लगता है, तू तो इसका पूरा का पूरा दीवाना लगता है। बसंती, जब तक तू कमर हिलाती रहेगी, गला फाड़ फाड़ कर गाती रहेगी, तब तक वीरू की सांस चलेगी। इधर तू थक कर गिरी, उधर वीरू मरकर तुझ पर गिरेगा, समझी? नाच बसंती, नाच। क्या करूं वीरू, तुझे बचाने के लिए मुझे
अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। सारे के सारे लोग बंदूकें फेंक दो। चले बसंती, मेरा मुंह क्या देखो हराम जा दो, जाओ और जाकर पीछे करो। लगता है आपने कारतूस कम हो रहा है, तो ऐसा कर मैं लोगों को रोकता हूं, तो बसंत लेके जा। जा। नहीं जय, मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। वीरो, ये बहस करने का वक्त नहीं है, तू जा यहां से। जा। नहीं, वीरो देख भाई बदमान, ऐसा करते हैं मैं सेकंड निकालता हूं, हेड मेरा चल तेरा। क्या बोलता है तेरा सिक्का? तो आ गया वीरू, अब तो उस पर लेके जा। ठीक है जय, तू अपना ख्याल रखना। हाँ मैं अपना ख्याल रखूं, तू जा यहां से। जा, जा। तो ना वीरू चला गया बसंती को लेके, अब जय को विजय नहीं पाने देंगे। एक ही कारतूस बचा, क्या करो? जय, तू ठीक तो है ना? मैंने एक को चुन चुन के मारा मेरे यार। नहीं जय, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरो, हमारी ये कहानी भी अधूरी रह गई। कुछ नहीं होगा जय। Jay?
मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं भी तेरे खून की सौगंध खा के कहता हूँ कि एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं। गब्बर बाहर निकल, तूने मेरे दोस्त जैकी जान ली है, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। देख आज कल की तारीख फिर तो हरा रही है। देख याद कर 1975 की सोने को, तू गब्बर है मैं वीरू हूं। निकाल बाहर हराम जादे। गब्बर गब्बर को याद दिलाता है, मुझे सब कुछ याद है कि 1975 के शोले में यहां क्या क्या हुआ था। उसमें जय को मारा था और तू बच गया, लेकिन आज आज तू मरेगा। हाँ तू मरेगा, मौत किसकी आएगी तुझे आज ये शोले बताएगा। मगर ये तय है कि मैं तुझे पिलाऊंगा मौत का जहर। गब्बर मौत का जहर। जहर मौत का जहर पिलाने से पहले जरा गब्बर को ये तो बता दे, तेरे बाकी के 3 डुप्लीकेट शोले कहाँ हैं? आओ आओ। जब मक्खी की मौत आती है तो शहद चाटने जाती है और चिपक कर मर जाती है, और आज 3 डुप्लीकेटों की मौत आई है तो गब्बर सिंह को मारने चले आए हैं। ज्यादा हंस मत, क्या ये तेरे को मारने के लिए 2 पेटी का घोड़ा लाला पल्ली ने क्या? अरे कल तक असली गब्बर सिंह था, जय और वीरू भी असली थे, मगर आज मुकाबला डुप्लीकेट शोलों से है क्या? तेरा हटके हटाने वाला हूं तेरी। कबर मैं पंजाब के पुत्र तारा सिंह हूं, अगर ये 2.5 किलो घात तेरे पे पड़ेगा ना टूटेगा नहीं उठ जाएगा। कबर तेरे जात का पता मारो, अपनी माँ से जाके कह दे कि तेरी नजर उतार दे, क्योंकि तू आज मरने वाला है। कोई शक? कोई शक नहीं, मेरी चिंता छोड़ बच्चे, अपनी फिकर करो। अरे ओ जाड़िया। जी सरदार। गांव वालों की नजर कौन उतारता है रे? आप सरदार। सुना तुम लोगों ने, मैं खुद गब्बर और आज तुम तीनों की नजर ये गब्बर उतारेगा 2 खोखे के घोड़े से। गब्बर बोला है तेरे, रामगढ़ के ये डुप्लीकेट शोले तुझे जलाकर राख कर देंगे। अरे कौन है रे तू? है रिश्ते में तुम तुम्हारा बाप लगते हैं। है शहनशाह तो तू शहनशाह है तो जय के जैसे मरेगा तू भी। है हीरो कभी गलत काम करते नहीं और जय जैसे हीरो कभी मरते नहीं। अरे ओ गब्बर आ गई ये डाकू चुटिया, अब खड़ी करेगी तेरी खटिया। डाकू चुटिया, इससे पहले तू मेरी खटिया खड़ी करे मैं तेरा बिस्तर गोल कर दूंगा। मैं तुझे मौत तो दूंगा मगर मौत के तराजू में तौल कर दूंगा। इससे पहले कि तू मुझे मौत के तराजू में तोले, आग के समंदर में तुझे नहला देंगे ये डुप्लीकेट शोले।
तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी दोस्त जय की जान ली है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ छोड़ दे छोड़ दे। रुक जा वीरू, छोड़ दे वीरू, ये मेरा शिकार है, मैं इसका खून पी जाऊंगा, इसने मेरे दोस्त जय की जान ली है, मैं इसका खून पी जाऊंगा। उसी दोस्त जिन्हें मुझे कसम दी थी, छोड़ दे इसे। ये वादा मेरे दोस्त जय ने किया था, अगर ये वादा मैंने किया होता तो कब का तोड़ चुका होता। तू क्या मुझे मारेगी चुटिया? आज मैं तेरी चुटिया उखाड़ कर दम लूंगा। तू क्या उखाड़ेगा मेरी चुटिया, क्योंकि मेरा नाम है डाकू चुटिया। शोले में तो ठाकुर ने गब्बर को पैरों से कुचला था, तू कैसे कुचलेगी? तेरी तो छाती में तो दम ही नहीं है चुटिया। अभी दिखाती हूँ गब्बर कि चुटिया की छाती में कितना दम है। बहुत जान है नहीं है। मुझे गोली मत मारना चुटिया, नहीं नहीं, मुझे माफ करना चुटिया, नहीं नहीं नहीं। गब्बर, तेरी दो पेटी के घोड़े से अब ये चुटिया खड़ी करेगी तेरी मौत की चुटिया। जो डर गया समझो मर गया। Download app and subscribe now.